नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेज मेलबर्न स्टार्स का जो बिग बैश लीग में मैच खेला जाने वाला है उसके स्क्वाड की इन्फॉर्मेशन, पॉसिबल प्लेइंग 11, एक स्मॉल लीग की टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम देने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्क्वाड देख लेते हैं। तो दोनों ही टीम्स ने अपने ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस कर दिए। तो रेनेगेड्स की स्क्वाड देख लेते हैं। तो उसमें एरन फिंच कैप्टन, ड्वेन ब्रावो, टॉम कूपर, मार्कस हैरिस, ब्रैड हॉज, ब्रैड हॉक, जॉन होलैंड, टिम ल्यूडमैन, मोहम्मद नबी, केन रिचर्डसन, क्रिस स्टेमेन, कैमरॉन वाइट और जेक विल्डरमथ। ये है दोस्तों रेनेगेड्स की स्क्वाड। तो अभी हम मेलबर्न स्टार्स की स्क्वाड देख लेते हैं। तो उसमें जॉन हेस्टिंग कैप्टन है, माइकल बेयर, स्कॉट बोलैंड, जैक्सन कोलमैन, बेन डंग, जेम्स फैक्नर, सेप कॉच, पीटर हैंस्कॉम, ग्लेन मैक्सवेल, केविन पीटरसन, मार्कस टॉइनिस, ल्यूक राइट और एडम जाम्पा। दोस्तों पीटर हैंस्कॉम की फिर से वापसी हो गई स्क्वाड में लैम बोव की जगह पे, जो लास्ट मैच तक खेल रहे थे लैम बोव, वो अब स्क्वाड से बाहर हो गए और उनकी जगह पर स्क्वाड बोलैंड खेल सकते। तो अभी हम पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेलबर्न स्टार्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो उसमें बेन डंग और ल्यूक राइट ओपनिंग करेंगे, फिर केविन पीटरसन, पीटर हैंडसकॉम, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉइनिस, जेम्स फॉकनर, जॉन हेस्टिंग्स, एडम जम्पा, स्कॉट बोलैंड और माइकल बेयर। ये हो सकती है दोस्तों मेलबर्न स्टार्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो अभी हम मेलबर्न रेनेगेड्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो उसमें एरन फिंच, मार्कस हैरिस, कैमरन वाइट, टॉम कूपर, ब्रैड हॉज, ड्वेन ब्रावो, मोहम्मद नबी, टिम ल्यूडमैन, जेक विल्डरमथ, केन रिचर्डसन और ब्रैड हॉग। दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम स्ट्रांग नज़र आ रही है अगर हम कंपेयर करेंगे मेलबर्न स्टार्स से तो, और ज़्यादा चांस है कि मेलबर्न रेनेगेड ही मैच जीतेगी। तो अभी हम टीम देख लेते हैं। मैंने लास्ट के दो वीडियो अपलोड किए उसमें मैंने न्यूजीलैंड पाकिस्तान और मेलबर्न रेनेगेड्स और मेलबर्न स्टार वुमेन्स का जो बिग बैश लीग है उसके दोनों ही मैचेस की वीडियो कवर कर लिए। अगर आपने देखे तो आप मेरे वीडियोस में देखे उसे चेक कर सकते हो, या तो ऊपर एक आई बटन ब्लिंक करा होगा उसे आप क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हो। न्यूजीलैंड टी ट्वेंटी की वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं पर्सनली वो वाले मैचेस नहीं खेलता। टीम वन मैंने स्मॉल लीग के लिए बनाई और टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है। टीम वन हम सबसे पहले एडिट करके चेक कर लेते हैं। विकेट कीपिंग सिस्टम हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है बेन डंग, हालांकि इनका फॉर्म अभी तक अच्छा नहीं है, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन है दोस्तों और अच्छे पॉइंट दिलवा सकते हैं। टीम ल्यूडमैन नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए बहुत, और सेफ कॉच का कोई चांस नहीं है खेलने का। फिर बैटिंग सेक्शन से मैंने एरन फिंच, केविन पीटरसन, कैमरॉन वाइट, ल्यूक राइट और टॉम कूपर को रखा है। आप यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल को रख सकते हो, ब्रैड हॉज को रख सकते हो, पीटर हैंडस्कॉम को भी रख सकते हो दोस्तों आप, इनके भी चांसेस हाई है खेलने के। मार्कस हैरिस को रख सकते हो, रॉब क्वेनी, अगर पीटर हैंडस्कॉम खेलते हैं तो रॉब क्वेनी नहीं खेलेंगे। फिर ऑलराउंडर की बात करें तो मैंने ड्वेन ब्रावो और मार्कस टॉइनिस को रखा है। आप यहाँ से जेम्स फॉकनर को रख सकते हो, मोहम्मद नबी को भी आप अपने टीम में रख सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से मैंने ब्रैड हॉक, जेक विल्डरमथ और जॉन हेस्टिंग को रखा है। आप यहाँ से एडम जम्पा, केन रिचर्डसन को ट्राई कर सकते हो, माइकल बेयर को ट्राई कर सकते हो, स्कॉट बोलैंड के चांसेस है दोस्तों खेलने के और मुझे लगता है कि खेलेंगे भी। लैम्बो दोस्तों, लैम्बो को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, ये नहीं खेलेंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो स्मॉल लीग की टीम में हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है वो है ड्वेन ब्रावो, क्योंकि ऑलराउंडर है, नंबर फोर या नंबर फाइव पर बैटिंग करते हैं, प्लस फोर ओवर्स डालते हैं और वो भी डेथ ओवर्स में डालते हैं। डेथ ओवर्स मतलब जो 17, 18, 19 जो ओवर रहे थे वो वाले ओवर्स को डेथ ओवर्स बोलते हैं। फिर केविन पीटरसन वाइस कैप्टन है दोस्तों मेरा कराओ, आप चाहे तो ल्यूक राइट को रख सकते हो, एरन फिंच को रख सकते हो। एरन फिंच के ये ग्राउंड पे दोस्तों रिकॉर्ड अच्छा है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ये MCG, इस मैच इस ग्राउंड पे एक खेला जाने वाला है मैच और उसमें एरन फिंच का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, नंबर वन टॉप स्कोरर है उस ग्राउंड पे एरन फिंच। तो आप उस स्टैट्स को मद्देनज़र रखते हुए एरन फिंच को आप रख सकते हो एज ए कैप्टन। फिर प्रीव्यू आपको दिखा दूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार टीम का प्रीव्यू चेक कर लेना। टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है, यहाँ से मैंने बेन डंग को ही प्रेफर किया है क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है और मैंने उन्हें कैप्टन कर दिया है। इनका फॉर्म अच्छा नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ। इनको 57% लोगों ने पिक किया हुआ है, तो बहुत सारे लोग इनको बनाएंगे कैप्टन, स्पेशली ग्रैंड लीग की टीम में आपको तो मिलेंगे ही बेन डंग कैप्टन। और वाइस कैप्टन मैं टॉम कूपर के साथ जा रहा हूँ, ये लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं कर रहे थे दोस्तों क्योंकि जो इनके रेगुलर बॉलर हैं उन्होंने सभी ने ही शानदार प्रदर्शन किया था, तो मुझे लगता है कि टॉम कूपर एक 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 या दो ओवर कर सकते हैं ये वाले मैच के लिए। और बैटिंग तो अच्छी कर ही लेते हैं नंबर फोर पोजीशन पे, लास्ट मैच इनको बैटिंग नहीं मिली थी क्योंकि टोटल बहुत कम था दोस्तों, 112 या 13 कुछ तो उनको टारगेट था और बहुत अच्छी प्रदर्शन की थी एरन फिंच और कैमरॉन वाइट ने, 95% तो
उन्होंने ही मैच जिता दी थी, सिर्फ 6 रन करने थे तब एक विकेट गिरा था, इसलिए ड्वेन ब्रावो को भेजा था। लेकिन ऐसा हर रोज नहीं होता। अगर मेलबर्न रेनेगेड्स की पहली बैटिंग आती है तो टॉम कूपर अपने यूजुअल पोजीशन पे आएंगे जो है नंबर 4, और ड्वेन ब्रावो ब्रैड हॉज के बाद आएंगे। फिर यहाँ से मैंने पीटर हैंडसकॉम पे थोड़ा रिस्क लिया, स्कॉट बोलैंड पे भी थोड़ा रिस्क लिया। पीटर हैंडसकॉम का दोस्तों 90% कन्फर्म है कि खेलेंगे, और स्कॉट बोलैंड का भी लगभग 80% कन्फर्म है कि खेलेंगे। तो यहाँ से मैंने एडम जाम्पा को लिया, आप माइकल बेयर को रख सकते हो, जॉन हेस्टिंग को रख सकते हो, जेक विल्डरमुथ को ले रहा हो, आप यहाँ से ब्रैड हॉक रख सकते हो, केन रिचर्डसन रख सकते हो, आपकी चॉइस है। आप बोलैंड को भी हटाकर किसी एक बॉलर को रख सकते हो, ड्वेन ब्रावो, मोहम्मद नबी, मार्कस स्टोइनिस, एरॉन फिंच, पीटर हैंडसकॉम और ग्लेन मैक्सवेल। इस टीम से मैंने केविन पीटरसन को ड्रॉप किया है, कैमरॉन वाइट को ड्रॉप किया है, मार्कस हैरिस को ड्रॉप किया है। ये तीन जो बड़े प्लेयर हैं इनको मैंने ड्रॉप किया है। अगर ये तीनों जल्दी आउट हो जाते तो ये टीम बहुत अच्छा करेगी दोस्तों। तो ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके गाइस, थैंक यू।